डेरा राधा स्वामी ब्यास एक बार फिर चर्चा च है। जमीना उपर नजायज कब्जियां खिलाफ पिछले लंबे समय तो डेरे खिलाफ मोर्चे लाउंदे आ रहे बलदेव सिंह सिरसा एक नवे खुलासे दे नाल डेरे खिलाफ मुड़ नितरे हन। कोरोना वायरस महामारी दरमियान अंदर खाते डेरे वालों चल रहे नजायज कब्जे की नवी कोशिश नूं उन्होंने बेपर्दा किया है। इस बार पिंड योधे की करीब 120 एकड़ पंचायती जमीन उपर मिली भुगत नाल कब्जे के गंभीर इल्जाम उन्हां वालों लाए गए हैं। इसकी बकायदा लिखती शिकायत उन्हां वालों पुलिस कोल करवाई गई है। डेरा राधा स्वामी खिलाफ हुण मोर्चा खोलण का भी ऐलान कर दिता है। असल विच लोक भलाई इंसाफ वैलफेयर सोसायटी के प्रधान सरदार बलदेव सिंह सिरसा पंथक आगू ने एक बार फिर मजदूर बनाम मजबूर जमात के हक विच आवाज़ बुलंद करदियां राधा स्वामी डेरे वालों 20,000 एकड़ पंचायती जमीन ते कब्जे जमाउण तो बाद ग्राम पंचायत योधे अते अधिकारियां दी कथित मिलीभुगत नाल करीब 50 करोड़ की जमीन के स्कैंडल का पर्दाफाश करने का दावा किया है। हुण उह इस पिंड की जमीन बचाने लई धरना लाउणगे। सिरसा ने मीडिया नूं दस्या कि डिप्टी कमिश्नर अमृतसर तो लैके गवर्नर पंजाब सरकार नूं ईमेल राही दिते मंग पत्र विच उन्होंने जानकारी दिती है कि डेरे वालों जून 2018 नूं ग्राम पंचायत योधे की 120 एकड़ जमीन का तबादला करके बदले केवल 60 एकड़ जमीन वख-वख पिंडां शेरो बागा सिरो निहा खानपुर ते सैनी राम दयाल च तबादले की मंजूरी लैण वास्ते केस सरकार नूं भेजा गया सी। सिरसा ने दस्या कि उन्हां नूं पता लगण ते इस दी लिखती शिकायत करन ते इह फाइल बंद हो गई सी। पर 120 एकड़ जमीन ते कब्जा पहलां ही कई सालां तों डेरे दा है। कुछ जमीन की हर साल पंचायत वालों बोली की जाती है। यह सब फर्जी खानापूर्ति ही की जाती है जिसकी पड़ताल करवाते बहुत वड्डे खुलासे हो सकते हैं। उन्होंने मांग की कि उक्त तबादला तुरंत रोकया जाए और 12 सितंबर 2018 को लाए धरने दियां सारियां मंगां ते गौ नाल विचार करके पीड़ित लोगों को इंसाफ दिता जाए। बलदेव सिंह सिरसा ने दसिया कि अज कोरोना वायरस महामारी के समय करफ्यू कारण पंजाब सरकार के सारे दफ्तर च कम ठप हैं, पर उक्त डेरे इन्हां दिनां च दुबारा केस भेजा गया है। उन्हां सरकार नूं चेतावनी दिंदिया कहा कि 15 दिनां दा नोटिस दिंदे हन जेकर इस तबादले ते रोक ना लाई गई तां डिप्टी कमिश्नर दे दफ्तर दे बाहर उह खुद धरना देण नूं मजबूर होणगे। डेरा राधा स्वामी मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों जो कि जमीन माफिया का बहुत वड्डा इक सरगना है और इसने धर्म का बुरका पाया ते हुण इस टाइम दे उत्ते पूरे संसार दे विच करोना वायरस चल रहा है। समुचे संसार के लोग राजनीतिक धार्मिक आम मनुख इस करोना वायरस तो बचन दियां जड़ियां ने वह व्यवस्था बना रहे हैं, बचन वास्ते उपराले कर रहे हैं। डॉक्टर अपनी थान पर काम कर रहा है, पुलिस भी, सर हर इंसान। लेकिन इन्हां दी एक नवी करतूत तुहानूं दसना चाहुंदा है कि ग्राम पंचायत जोधे की 120 एकड़ जमीन जड़ी के 2018 दे विच इन्हां को इन्हां दे नाल एग्रीमेंट करके ग्राम पंचायत जोधे तो 120 एकड़ जमीन इन्होंने लैनी सी ते इहदे बदले विच डेरा राधा स्वामी सतसंग ब्यास ने 60 एकड़ जमीन देनी सी। जड़ी लैनी सी वह एक पिंड की सी, जड़ी देनी सी वह वख-वख चार पिंडां दी सी, जिहड़े कि शेरों नगाह शेरों बागा खानपुर इस तरह करके चार पिंडां दे विच। वो जो मैं पता लग्या तो मैं यदि शिकायत की डिप्टी कमिश्नर को कि यह बहुत बड़ा स्कैंडल हो रहा है तो आ जरा अकरारनामा पहला लिखा से ये इन्होंने फाइल जी बंद कर ली और हूँ इन्होंने की किया कि 120 किलों के बराबर 120 किलों का तबादला ही जरा कागजी तौर पर किया जा रहा है। ये सारा ब्लाक विकास पंचायत धारिया वालों जरा केस तैयार करके जो तैयार किया गया और हुण 120 किले के बराबर 120 किले ही दे रहे हैं कागजात। फिर तुम कहो गए कि 120 किलों के बदले जो 120 किले दिते जा रहे हैं तो फिर बलदेव सिंह सरसा को इतरा रहा ग्राम पंचायत जोधे की जी दे रही है तो डेरा लै रहा। पर मैं दसना चाहवागा तुम क्योंकि मैं हूँ तक 2010 तो लैके करीब 11-12 साल हो गए हैं तो हूँ तक इन्होंने बहुत व्डे स्कैंडल जोड़े ने वो लिया चुका जिदे संबंध में आप जी को सारा पता है कि जो 12/9/19 डेरा राधा स्वामी के खिलाफ ब्यास विखे धरना लाया सी तो उदो मैं तुहानू एक एक गल जिहड़ी आ डेरे दी दस चुका। अपने हल्फिया बयान विच सरदार बलदेव सिंह सिरसा का कहना है
कि श्री गुरिंदर सिंह ढिल्लों मुखी राधा स्वामी सत्संग ब्यास सोसायटी वालों वक्-वक् पिंडां दीआं हज़ारां एकड़ पंचायती जमीनां ते नजायज़ कब्जे किए हुए हैं। इत्थों तक कि पंचायती जमीनां ते गलत फर्जी दस्तावेज तैयार करके डेरे ने अपने नाम उस जमीन की रजिस्ट्री भी करवाई हुई है। अले दलित परिवारां दे दो दो मरले के प्लाट अते छोटे छोटे गरीब किसानां दीआं जमीनां ते नजायज़ कब्जे किए हुए हैं। अरे दरिया ब्यास की कुदरती वहाव भी बदल दिता गया है, जिसका टूक मात्र वेरवा हेठां लिखे अनुसार है। उन्हें कहा कि अज करोना वायरस के कारण आम जनता के सरकारी दफ्तर च सारे कामकाज बंद हैं, पर उक्त डेरा मुखी 120 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत योधे की हड़प्पण वास्ते एक फर्जी तौर पर तबादला करने अपना रसूख वरत के संबंधित दफ्तर राही इस तबादले की सरकार तो मंजूरी लैन लई कार्रवाई करवा रहा है। उक्त डेरे ने पहला भी इस योधे पिंड की पंचायती जमीन के गलत फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए सन। 1995 31-2 कनाल जमीन की डेरे ने खुद अपने नाम रजिस्ट्री करवाई हुई है और जमीन ते कब्जा मौके अज डेरे का है। यह भी उक्त डेरे ने ग्राम पंचायत वड़ैज की 42 एकड़ जमीन का 6 एकड़ जमीन नाल फर्जी दस्तावेज तैयार करवा के 1995 तबादला किया। 42 एकड़ से अज भी कब्जा डेरे का है। 4 जनवरी 2016 नूं उक्त डेरे ने फर्जी दस्तावेज तैयार करवा के सरकार की मंजूरी राही बोली करके 80 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत वड़ैज की हड़पनी सी, जो कि मेरे वालों हाईकोर्ट तक पहुँच करके उक्त डेरे का पर्दाफाश करके 80 एकड़ जमीन की बोली से रोक लगवा दी सी, पर कब्जा मौका नजायज तौर पर अज भी डेरे का है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत वड़ैज की 117 एकड़ जमीन उक्त डेरे ने साल 1983 च सरपंच तो लैके पंचायत विभाग के उच्च अधिकारियों ते माल महकमे ने मिली भुगत राही हड़प की हुई है। उक्त डेरे ने ग्राम पंचायत बलसराय की करीब 750 एकड़ जमीन से नजायज कब्जा किया होया है। उक्त डेरे मुखी ने सिख कौम के महान शहीद बाबा जीवन सिंह के नाम से वड़ैज पिंड च बने गुरद्वारा साहब की जमीन की फर्जी इबादत लिख के अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली है। उक्त डेरा मुखी ने ड्रेनेज विभाग की मिली भुगत राही दरिया ब्यास का कुदरती वहा बदल दिता है, जिसके कारण किसानों दियां हजारां एकड़ जमीना दरिया खुरद बुरद कर रहा है। अरे दूजे पासे उक्त डेरे ने हजारां एकड़ जमीना ते नजायज कब्जे किए हुए हैं। उन्होंने सरकार नूं कहा कि सरकार इस पासे गौर करे, नहीं तो वह धरना लाने नूं मजबूर होणगे। जेकर तुहानूं साडा इह उपराला चंगा लगा है तो इसनूं लाइक करो, शेयर करो और साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो।